गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप साहब? हम लोग आज फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेंस। व्हाट इज लेंस? हाउ वी कैन डिफाइन द लेंस? लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस एक प्रकाशिक यंत्र है। लेंस एक प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है? वह यंत्र, वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसका प्रयोग करके हम किसी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु को, उस यंत्र को, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। क्लियर? तो हम लेंस का भी प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी वस्तु को देखने के लिए ही करते हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए ही करते हैं। तो इसलिए हम लेंस को भी कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकाशिक यंत्र है। और लेंस किस चीज़ का बना होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है, पारदर्शी माध्यम का बना होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम का बना होता है। क्लियर? और वो पारदर्शी माध्यम सामांगीय होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग लेंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम। ये लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम एंड सराउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस और वन कर्व्ड सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। क्लियर? यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, हम लोग देख सकते हैं। लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम। लेंस इज एन ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम फॉर्म्ड बाय टू कर्व्ड सरफेस और वन कर्व्ड सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस। लेंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं। लेंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? यहां पर दिया हुआ है डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? वो लेंस जो बीच में मोटा होता है, जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, बीच में जो थिक होता है और किनारों पर थिन होता है, उस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, लेंस क्या होता है? लेंस एक प्रकाशिक यंत्र है जो सामांगीय पारदर्शी माध्यम का बना होता है और जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं। लेंस एक प्रकाशिक यंत्र है जो सामांगीय पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है, जिस जो दोनों वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। लेंस दो तरीके के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ए लेंस दैट इज थिक इन द मिडिल। थिक इन द मिडिल, मिडिल में मोटा होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। मीन्स थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज। थिन एट द एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं इसे? कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लेंस की प्रॉपर्टी होती है, इस लेंस की, उत्तल लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर आने वाली लाइट रेज को ये एक पॉइंट पर ही इकट्ठा कर देता है, एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर? तो इस उत्तल लेंस की, इस कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अपने ऊपर आने वाली लाइट रेज को ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? अब कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो थ्री टाइप्स। कन्वर्जिंग लेंस इज आल्सो थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स। नंबर वन, सबसे सिंपल, यही लेंस बना हुआ है, इस लेंस को हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइप का लेंस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। मींस इसके दोनों सरफेस, इसके दोनों सरफेस क्या हैं? कॉन्वेक्स हैं। दोनों सरफेस उभरे हुए हैं, तो उभरे हुए हैं मीन्स सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स हैं। इफ बोथ द सरफेस आर कॉन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस।
If both the surface of the lens is convex, that is called biconvex lens or convexo-convex lens. Clear? Second is the plano-convex lens. Plano-convex lens. What is plano-convex lens? If one surface is plane and other surface is convex, then that is called convex plano-convex lens. क्लियर? यहां पर थर्ड टाइप का कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेबो कॉन्वेक्स लेंस. मींस इफ फर्स्ट सरफेस या इफ वन सरफेस इज कॉनकेव, दबा हुआ सरफेस कॉनकेव, एंड सेकंड सरफेस इज कॉन्वेक्स. पहला सरफेस अगर कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेबो कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर? अगर पहला सरफेस कॉनकेव और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसे क्या हम कहते हैं? कॉनकेबो कॉन्वेक्स लेंस. इफ फर्स्ट सरफेस इज कॉनकेव एंड सेकंड सरफेस इज कॉन्वेक्स, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेबो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी. क्लियर? तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं. कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने देख लिया, कॉनकेव लेंस देखते हैं. नोट डाउन, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस. कॉनकेव लेंस क्या होता है? द लेंस व्हिच इज थिन इन द मिडिल एंड थिक इन द एज, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस. अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, जो बीच में पतला होता है, थिन होता है, और किनारों पर मोटा होता है, थिक होता है, उसे अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस कहते हैं. ए लेंस दैट इज थिन इन द मिडिल, दैट इज थिन इन द मिडिल एंड thick at the edge is called concave lens. It is also called diverging lens. Why? क्यों इसे diverging lens या अपसारी lens कहते हैं? क्योंकि ये lens, ये जो अवतल lens है, concave lens है, ये lens अपने ऊपर आने वाली light rays को फैला देता है. देखिए इस तरीके से light rays आई और बाहर की तरफ चली गई, ये light rays को फैला दे रहा है, ये light rays को फैला दे रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? diverging lens. ये light rays को diverge कर दे रहा है. अवतल उत्तल lens में आप लोगों ने देखा था, concave lens, convex lens में देखा था कि वो converge हो रही थी, इसलिए उसे converging lens कह रहे थे. यहां पर ये लेंस क्या कर रहा है? लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं और यहां आने के बाद ये फैल जा रही हैं, फैल करके चली जा रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं. डाइवर्जिंग नेचर है इस लेंस का, अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग होता है, इसलिए हम क्या इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं. क्लियर? अब दीज आर आल्सो थ्री टाइप्स, दीज लेंस आर आल्सो थ्री टाइप्स. जैसे उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में देखा था, वैसे ही यहां पर कि कॉनकेव लेंस भी तीन तरीके के होते हैं. नंबर वन, सिंपल यही लेंस. इफ बोथ द सरफेस आर कॉनकेव, अगर बोथ दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, दोनों पृष्ठ अवतल हैं, दोनों पृष्ठ दबे हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई कॉनकेव या कॉनकेबो कॉनकेव लेंस. कॉनकेबो कॉनकेव लेंस मीन्स दोनों सरफेस, इफ बोथ द सरफेस आर कॉनकेव, देन इट इज कॉल्ड बाई कॉनकेव और कॉनकेबो कॉनकेव लेंस. क्लियर? Second is the plano-concave lens. Plano-concave lens. If one surface is plane and other surface is concave, that is called plano-concave lens. Clear? If one surface is plane and other surface is concave, then that is called plano-concave lens. Clear? Third type, convexo-concave lens. Convexo-concave lens means if one surface is convex and other surface is concave, then it is called convexo-concave lens. Clear? Means एक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल हो, convex हो, और दूसरा पृष्ठ दबा हुआ हो, concave हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? Convexo-concave lens. The lens
which one surface is convex and one surface is concave, then it is called convexo-concave lens. क्लियर? तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. नोट कीजिए, कल हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे.